अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको दो शर्ट्स दिखाने लगी हूँ। लेट मी शो यू दिस टू। लेकिन आज की वीडियो में ये फोकस नहीं है, फोकस है आज की शलवारें। तरह तरह ये देखिए, आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ब्रांडेड शर्ट्स ली हैं। आई थिंक बीचट्री की हैं ये। यस, बीचट्री की शर्ट्स हैं ये, ऑफ पे ली थी और खद्दर फैब्रिक है ये। तो इनके साथ मैंने शलवारों को किस तरह से डिज़ाइन किया है वो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। और चलिए देखते हैं जी। तो ये फर्स्ट शर्ट है, पहली शर्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है और वुलन टाइप फैब्रिक है, ये खद्दर नहीं है। और बीचट्री से मैंने लिया था, ये फुल फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखिएगा। और लूज़ फिट में है, वैसे तो ये 10 नंबर है लेकिन ये लूज़ फिट में अच्छा खासा खुला है। और ये पूरा फ्रंट जो है ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके स्लीव्स पे बस ये कच्चा टांका किया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैंने शलवार डिज़ाइन की है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये इसके साथ मैंने, अच्छा इसका मैचिंग नहीं हो रही थी तो मैंने खद्दर फैब्रिक लिया था जो डाइएबल होता है, वो लेके मैंने इसके साथ डाई करवाया है। और इसकी मैंने ये शलवार ऊपर से सिंपल जैसे होती है ये उस तरह से शलवार बनाई है। लेकिन जो आजकल ब्रांडेड शलवारें चल रही हैं ना, खुले पॉइंट्स वाली, ये मैंने वो बनाई है। और इसको मैंने ये किया था कि ये देखिए अंदर से ये इसके अंदर ट्राउज़र की लुक भी आती है, तो ये ना ट्राउज़र और शलवार का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने कैसे स्टिच किया है, और इसके ये जो फैब्रिक पेंटिंग मैंने इसके ऊपर की है, जो कलर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे इसकी एम्ब्रॉयडरी में, वो मैंने उसके पैंचे पे जितना चौड़ा मैंने पैंचा रखे हैं स्टेंसिल्स के थ्रू इसके ऊपर फैब्रिक पेंटिंग कर दी है। और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप देख सकते हैं। ओके जी, ये मेरी दूसरी शर्ट है और ये भी बीचट्री की है। और ये कुर्ता स्टाइल है, कुर्ता स्टिच हुआ हुआ है। इसका जो फोकस मुझे जो इसमें चीज़ अच्छी लगी थी, इसका ये नेकलाइन है। नेकलाइन ये देखें, मुझे बहुत मज़े का लगा था। ये बैन इसका है और बिल्कुल आगे तक बैन नहीं है और स्क्वायर नेक के साथ है। ये आगे से इतना सा इन्होंने स्लेट रखा हुआ है और बाकी ये बंद कर दी हुई स्लेट और बटन्स और ये लूप्स। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि कलियों की जगह पे ना इन्होंने ये ऐड किया है, इसको कहते हैं जाली, ठीक है। ये जाली ऐड की है इन्होंने। और बाकी जो स्टिचिंग इन्होंने की है ये कुर्ता स्टाइल में है। इसके स्लीव्स में सिर्फ आगे एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, बाकी ये सिंपल है। यहाँ पे एंड पे इन्होंने फर ऐड की हुई है। और जो इसकी बैक साइड है वो बिल्कुल प्लेन है, जैसे पहली वाली शर्ट की थी उसकी भी प्लेन थी और इसकी भी बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ आगे की साइड पे कलियाँ दी हुई हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो शलवार मैंने बनाई है, इसमें जो ये जाली है इसको करने के लिए ना इसके साथ, अच्छा कलर इसका भी नहीं मैच हो रहा था, इसको भी मैंने लेके डाई करवाया है। और इसका बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं रखा मैंने शलवार का, एक नॉर्मल सा जो फ्लेयर होता है ना, जो एक नॉर्मल शलवार होती है, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कोई जॉइंट नहीं दिया इसका घेर ज़्यादा करने के लिए। बाकी ये शलवार जैसे स्टिच होती है सिंपल, उसी तरह से स्टिच हुई है। और इसके पैंचों पर मैंने क्या किया है कि ये इसी तरह से जाली ऐड करती है जैसे ये शर्ट के अंदर थी। अंदर इसके पिंक कलर की जाली है तो मैंने इसके अंदर पिंक कलर की ही जाली ऐड की है। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं कि मैंने ये पैंजा कैसे बनाया। बाकी मैंने इसके ऊपर ये बटन्स लगा दिए थे, ये जो इसकी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है इससे मैच करके। बाकी आपको ये आपकी वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।